Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन रिलेटेड है एस ब्लॉक एलिमेंट्स से, जिसमें हम अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल डू नॉट इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। तो हमारे पास जो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कलर करेक्टर में पार्टिसिपेट नहीं करता। हमारे पास ऑप्शन है बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम या बेरियम। बेरिलियम है आपके पास, वो कलर करेक्टरिस्टिक में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है साइज़ में और वो जो है एकदम स्टेबल रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन हैज़ स्मॉलेस्ट मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, कि कौन सा जो एलिमेंट है उसकी मोबिलिटी सबसे कम है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो मोबिलिटी है उसका ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज आता है, जिसका साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी, जिसका साइज उतना बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल की मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो जो हमारे पास Mg2 पॉजिटिव है उसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेरियम एग्जिबिट डायगोनल रिलेशनशिप विद, हमारे पास केवल तीन ही एलिमेंट हैं जो कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। फर्स्ट इज लिथियम, बेरियम एंड बोरोन। जो लिथियम है वो शो करता है मैग्नीशियम के साथ एंड जो बेरियम है आपके पास, बेरियम शो करता है एल्युमिनियम के साथ एंड जो बोरोन है, बोरोन शो करता है सिलिकॉन के साथ। तो आपसे यहाँ से बेरियम का पूछा गया है, तो बेरियम का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये शो करता है एल्युमिनियम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, यहाँ पे आपके पास कार्बोनेट्स हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो जो ऑर्डर होता है आप देखोगे, अगर प्रिडिक्टेबल में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं आपके पास सबसे ऊपर बेरियम, मैग्नीश, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडॉन, इस ऑर्डर में नीचे को आते हैं। तो जो उनकी स्टेबिलिटी होगी इन केस ऑफ CO3, तो वो जो है नीचे की तरफ इंक्रीज करती है। इट मीन्स कि मोस्ट स्टेबल वो ही होगा जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर CO3 के साथ बॉन्ड बना हो तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो मोस्ट स्टेबल जो है वो स्ट्रॉन्शियम के साथ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल बेस, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट बेस कौन सा है, या स्टेबल या जो स्ट्रॉन्ग बेस है इनमें से कौन सा होगा। तो बेसिसिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है अल्कली मेटल है, यानी ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, जिसे आप याद रख सकते हो हेलिना की रज से फरियाद। तो जिस तरह साइज बढ़ता चलेगा इट मीन वो इजली अपना OH डोनेट कर देगा, जितना स्मॉल साइज होगा उसे OH डोनेट करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो जो आपके पास सीजियम हाइड्रोक्साइड है वो मोस्ट बेस होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद, इसको मैंने अभी आपको बताया कि जो तीन ही एलिमेंट्स थे जो कि शो करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ लिथियम, कि लिथियम का ओर इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो अल्वाइट है
वो लिथियम का ओर नहीं है, बाकी जो है वो सारे के सारे लिथियम के ओर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डॉन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, डॉन प्रोसेस, इससे आप याद रख सकते हो डाउस प्रोसेस, जिस तरह डाउस प्रोसेस यूज की थी हमने इन द केस ऑफ फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, तो यहाँ पे आप सोडियम मेटल को याद रख सकते हो कि डॉन प्रोसेस जो है वो यूज की जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, अब सीमेंट का सभी को पता है कि यूज़ करते हैं, बट उनमें से कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट ऐड किए जाते हैं, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, Al2CO, सॉरी Al2O3 भी होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यानी एलुमिना भी उसमें प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, मगर उसमें सोडियम के ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होते, सोडियम का सीमेंट में कोई रोल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बाकी जो है कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना के ऑक्साइड इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कार्नेलाइट इज, कि कौन सा कंपाउंड जो है वो कार्नेलाइट है, तो जो KCl MgCl2 6H2 है उसे ही कार्नेलाइट कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, जो सोल्वे प्रोसेस है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो जो सोल्वे प्रोसेस है वो यूज़ की जाती है Na2CO3 की प्रिपरेशन में, तो जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन, जो मैग्नीशियम है वो कौन से एलिमेंट में प्रेजेंट होता है, कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, तो जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है एंड विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास है CO SO4 ½ H2O, इसका केमिकल फार्मूला होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो CSO4 के 2 मोल्स लिए गए हैं, तो वाटर का जो है वो पूरा का पूरा 1 मोल यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज यहाँ ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था यहाँ पे आप बता सकते हो कि एस्कॉर्बिक एसिड में कौन सा मेटल पाया जाता है, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एस्कॉर्बिक एसिड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूकलाइम इज, क्यूकलाइम का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, क्यूकलाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो CaO जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूक्लाइम, ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, शेक लाइम रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव, अगर जो शेक लाइम है उसको हम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, जो शेक लाइम है हमारे पास वो होता है CaOH2, ये हमारे पास शेक लाइम का फार्मूला है, अगर इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CaOCl2 में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज कॉल्ड, कि जो सस्पेंशन होता है स्लेक्ड लाइम का उसे वाटर में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम, तो इसका जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, अब पोर्टलैंड सीमेंट इज आल्सो अ मेन कंपाउंड ऑफ सीमेंट, जो पोर्टलैंड है एक जगह का नाम है जो कि फोन कंट्री में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर यह सीमेंट मिलता है, इसीलिए उसी जगह के नाम पर इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया है, तो उसमें से कौन से कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो हमें बताना है, हमारे पास ऑप्शंस हैं ए सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिना ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैडमियम ऑक्साइड, तो कैडमियम जो है वो किसी भी सीमेंट में ऐड नहीं किया जाता, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास,
मिक्सचर ऑफ MgCl2 एंड MgO इज कॉल्ड, तो जो मिक्सचर है MgCl2 एंड MgO का उसे कहते हैं सोरल सीमेंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने पिछले पेपर अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।